नमस्कार, आप देख रहे हैं एम4 यू न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना की आवाज दिलाने के नाम पर प्रधान के ने लिए 10,000 रूपए। पहली किश्त आने पर दोबारा 10,000 रूपए मांग कर रहा है दबंग प्रधान। पैसे न देने पर बुजुर्ग दंपत्ति को जमकर पीटा। पीड़ित परिवार ने बिसौली कोतवाली में तहरीर देकर की दबंग प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पूरा मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव का है। आपको बता दें कि पूरा मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव का है, जहां पर दबंग ग्राम प्रधान ने बुजुर्ग दंपत्ति को जमकर पीटा। दरअसल ग्राम प्रधान ने आवाज दिलाने के नाम पर बुजुर्ग दंपत्ति से पहले ही 10,000 ले लिए और पहली किश्त आने पर 10,000 लिए थे दबंग प्रधान ने। दूसरी किश्त आने पर 10,000 की और डिमांड की, लेकिन पीड़ित ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसे बौखलाए ग्राम प्रधान ने बुजुर्ग दंपत्ति को जमकर पीट दिया। बुजुर्ग दंपत्ति ने मजबूरी में आकर थाना कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। भले योगी सरकार कितना भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बात करे, लेकिन कुछ ग्राम प्रधान और कुछ कर्मचारियों की वजह से उनका सपना साकार नहीं होते दिख रहा। अब देखना ये होगा कि ऐसे दबंग ग्राम प्रधान पर क्या कार्रवाई होती है, या फिर प्रधान की दबंगई के आगे पुलिस प्रशासन नतमस्तक रहता है। कहाँ रहती हो? जलालपुर। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? लड़ाई झगड़ा हुआ था, हम से 10,000 रूपए मांगे ले लिए, 10,000 रूपए लेने के लिए है। कौन ले, कौन कह रहे? गोपी प्रधान है। गोपी प्रधान? गोपी किस बात के ले लिए? वो आकाश के है? आकाश के आवाज के। हाँ। अच्छा, आवाज आ गया तुम्हारा? हाँ। अच्छा। तो कही हमारे बुढ़े ने मना करी, तुमने दरखास्त दे दी? हाँ, दरखास्त दे दी थाने में। हाँ। क्या कह रही पुलिस? पुलिस क्या कह रही है? मैंने चौकी जाओ। चौकी जाओ। हाँ। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल एम4यू न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।